हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिमेनिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, मास एंड वॉल्यूम का हम लोगों ने जिक्र किया था, और आज जो है डेंसिटी का जिक्र करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक से बहुत सारा छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनेंगे, इसलिए बोर्ड पर बारीकी से नज़र डालें, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, है ना? तो हम लोग लिखेंगे बच्चों मेजरेबल। ऑफ गैसियस स्टेट। मास है, वॉल्यूम है, ये दोनों बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, है ना? बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, है ना? कहता है द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और मास को ग्राम में या तो व्यक्त करेंगे, नहीं तो फिर केजी में व्यक्त करें, वॉल्यूम को सीएम की ओ, और नहीं तो फिर एम की ओ। अगर ऐसे कर देते हैं तो डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, ये जो है बच्चों सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा सीजीएस, और ये हो जाएगा एसआई यूनिट में, केजी पर एम क्यू। अब कहता है डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस का डेंसिटी को डिटरमाइंड करना है, इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं वेपर, वेपर डेंसिटी, बाष्प घनत्व। कहता है गैस का डेंसिटी को निर्धारित करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, यानी आपसे पूछेगा वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट क्या होगा बच्चों, H2 का 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यानी अगर मोलर मास पूछेगा, कैपिटल एम पूछेगा, है ना, मोलिकुलर वेट, है ना, तो हो जाएगा 2 × Vd। और इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, कंसेप्ट में निखार आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ही आसान होता है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, कैलकुलेट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.2 ग्राम ऑफ द गैस एट एनटीपी,
और किसी भी गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, हमेशा याद रखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं कैपिटल एम, 2 × VD, है ना। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है आपका 11.2, यानी हो जाएगा 2 × 11.2 इजकल टू, यहाँ कर देते हैं इजकल टू 22.4 मोलिकुलर वेट। और मैंने क्या बताया बच्चों, किसी भी गैस हो, CO2, O2, N2, F2 जो भी हो, किसी भी गैस का NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है ना, मोलिकुलर वेट के बराबर। यानी 22.4 है ना मोलिकुलर वेट है, बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर एट NTP, है ना, किसी भी गैस के मोलिकुलर वेट के बराबर इतना वॉल्यूम होता है। और पूछ रहा है 11.2 ग्राम में, है ना, 11.2 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 11.2, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 11.2 लीटर। तो बच्चों आपको समझ में आया है नहीं, रेगुलर क्लास करते रहिए और छोटा छोटा वीडियो देखते रहिएगा, छोटा वीडियो देखिएगा आसानी से आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।